मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। ओके, लेट्स वी स्टार्ट नाउ रैशनल नंबर। वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी इन क्लास 7। ओके, तो मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal 0. We have already studied it in previous classes. What is the rational number? The number which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal 0. For example, 3 upon 13 minus 1 upon 5, 0 upon 7, and it is okay. So many rational numbers, there are many rational numbers infinitely. So the number which can be expressed in the form of P upon Q, and where P and Q are integers and Q not equal 0, is called the rational number. Now we will study some properties related to numbers. Okay students, so dekhiye kuch properties karenge hum log. Some properties of rational numbers. Some properties of rational number. Some properties of rational number के अंदर जो first property है वो है closing property. First property है वो कौन सी हमारी? Closing property. क्लोजिंग मीन्स होता है कि हम जब कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो उसी के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम होल नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो भी होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर को सॉल्व करें नेचुरल होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल होगा, इंटीजर है तो इंटीजर होगा। ये हमें चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कि जो रिजल्ट होगा वो भी उसी नेचर का होगा, जो रिजल्ट होगा वो भी उसी नेचर का होगा जिसका नंबर है। तो देखिए हम सबसे पहले इस क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं होल नंबर पर। किसके ऊपर? होल नंबर पर अप्लाई करते हैं। अब होल नंबर में जब इसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो वापस होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी चेक। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर जो है अगर हम 3+5 करें तो 3+5 हमारा कितना होगा? 8 होगा। तो ये तो हो गई एडिशन, क्या हो गई? एडिशन। इसी टाइप से अगर हम 3×5 करें तो कितना आएगा? 15 आएगा। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। फिर अगर हम करें 3-5 तो यह आएगा -2। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। और अगर हम 3/5 करें तो ये तो पॉइंट में आएगा, यानी 3/5 भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया डिवीजन। बट आप चेक कीजिए कि इन सब के अंदर जो है वो रिजल्ट हमारा, जैसे हमने होल नंबर का ऑपरेशन किया तो
वापस होल नंबर आना चाहिए। तो देखिए होल नंबर किससे आ रहा है, 3 + 5 8, 8 क्या हो गया होल नंबर हो गया, 3 × 6 = 15, 15 भी क्या हो गया 15 इज ऑल्सो होल नंबर, बट 3 − 5 − 2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज एन इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंटीजर है न कि होल नंबर है। इसी टाइप से 3 / 5 ये पॉइंट्स में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। इट मींस कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारे होल नंबर के लिए ऑनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, सबट्रैक्शन और डिविजन पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हमने इसको ऑपरेशन किस पे किया है, होल नंबर पे किया है। किसके ऊपर किया है, होल नंबर पर, यानी ये क्लोज्ड नहीं होगी। अब आते हैं इसको इंटीजर कहते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इंटीजर। तो देखिए इंटीजर पर करेंगे, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा −9 + 12, तो ये माइनस ये प्लस, 12 में से माइनस को 9 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ इफ माइनस करेंगे तो −9 and −12, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा −21, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है माइनस है, तो ये क्या आएगा माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें −9 का अदर नंबर लेने के लिए, −3 × 7, 3 × 7 = 21, माइनस डिवाइड कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड किस तरह से करेंगे, −12 / 4, तो −12 / 4 हो जाएगा −3 हो जाएगा। लेकिन जब और कोई डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड के अंदर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड करना है 7 / −11, तो अब ये तो होगा 7 / −11, यानी −7/11। तो देखिए ये सारे जो इंटीजर्स हैं, बट ये क्या इंटीजर है क्या, तो डिवीजन में ऑलवेज इंटीजर नहीं आ सकता, डिवीजन में ऑलवेज इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन एडिशन अपन कभी भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम कभी भी करेंगे, मल्टीप्लाई कभी भी करेंगे टू इंटीजर्स का, तो ऑलवेज जो रिजल्ट होगा वो भी एनी वन इंटीजर होगा। ठीक है, इज ऑल विल ऑल्सो बी अ इंटीजर। ओके, तो इंटीजर के अंदर जो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो किसमें होगी, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया इंटीजर। अब आते हैं रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर, तो जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि ए प्लस बी करेंगे एनी वन रैशनल नंबर ए और बी है, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ओके, जैसे मान लीजिए 3/4 + 7/12 करना है, तो ये जो रैशनल नंबर रिजल्ट आएगा 4 × 12 है जैसे 12, 3 × 3 = 9 + 7 = 16/12, तो 16/12 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसी टाइप से जब माइनस करेंगे तभी वो हमारा रैशनल नंबर होगा, जैसे 3/4 − 7/12 अगर करेंगे तो ये 9 − 7 हो जाएगा, और प्लस के लिए माइनस किया है तो ये हो गया 2/12, और चाहे इसको और सॉल्व करके 1/6 भी कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करके 4/3 कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो देखिए बेटा
ये 1.6 से क्या हुआ रेस्ट का लंबा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें 3/4 मल्टीप्लाई 7/12 3/7 = 21 एंड 12/4 = 48 सिंपलीफाई करेंगे तब तो ये आएगा 7/3 की टेबल से 16 7/16 सिंपलीफाई करने पर। तो यहाँ पर जो है रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लाई किया तब क्यों क्या आया रेशनल नंबर a माइनस बी की जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल होगा a प्लस बी भी आपका क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर होगा ठीक है और a मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी होगा। अब आते हैं a डिवाइड बाई बी यानी फिर a को किसे डिवाइड करें तो देखिए डिवाइड करने के अंदर जो है वो 3/4 डिवाइड बाई 7/12 तो यहाँ पे ये डिवाइड कैसे होगा देखिए 3/4 डिवाइड कीजिए साइन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि रेशनल नंबर को डिवाइड करने का मीनिंग होता है कि जो अनदर आपका डिवाइजर गिवन है उसको मल्टीपल कर दीजिए डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइड के साइन की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये इसको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 3 12 9/7 इज द ऑल्सो अ रेशनल नंबर 9/7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इट मीन्स के क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के ऑल ऑपरेशन के अंदर अप्लाई होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड है लेकिन बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज डिवीजन के अंदर रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है क्लोज्ड नहीं होती है ठीक है। डिवीजन के अंदर ऑल रेशनल नंबर कभी भी क्लोज्ड नहीं होते हैं कि जैसे इसका एक ही एग्जांपल है वो एग्जांपल है 0। अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि ये हो जाएगा 7/0 और 7/0 जो है वो रेशनल नंबर ही नहीं है हमारा है ना ये तो इरेशनल नंबर है तो वापस रेशनल नहीं आएगा डिवाइड करने पर है ना। तो यहाँ पे ये डिवीजन के अंदर जो है वो ऑलवेज नहीं होता है हाँ समटाइम हो सकता है समटाइम कैन नॉट बी। ओके तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो रेशनल नंबर क्या है क्लोजर है सारे यानी कि उनका ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर तो बेटा अब अपन होल नंबर इंटीजर की नहीं करेंगे ओनली रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी करेंगे ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी का मीन होता है कि उसको किसी भी ऑर्डर पे अरेंज करें रिजल्ट सेम रहेगा रिजल्ट क्या रहेगा सेम रहेगा। तो बेटा यहाँ पर जो है वो 4 एक्सरसाइज है कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के मीन्स उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लें। इसी टाइप से a मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा b मल्टीप्लाई ए के बट स्टूडेंट्स a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए समटाइम तो हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता है। ओके a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए एंड 4 a डिवाइड बी नॉट इक्वल b डिवाइड इक्वल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई भी दो रेशनल नंबर गिवन है तो उनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें तो एडिशन जो है वो सेम आएगी तो एडिशन के अंदर तो अप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई में भी अप्लाई हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई का 3 को 4 से करो या 4 को 3 से करो सेम रिजल्ट आ जाएगा लेकिन डिवीजन के अंदर पॉसिबल
नहीं है और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे 3 माइनस 5 करना है तो माइनस 2 आएगा, और 5 माइनस 3 करना है तो प्लस 2 आएगा, तो रिजल्ट सेम नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी, इसमें अप्लाई हो जाएगी, लेकिन इन दोनों में अप्लाई नहीं होगी रैशनल नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर है उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो है वो लिखा जाता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, एडिशन फॉर कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ओके, ये हो गया कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। थर्ड इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि व्हेन वी आर गिवन मोर देन टू रैशनल नंबर। ओके, मोर देन टू रैशनल नंबर। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, चाहे ए प्लस बी पहले करो बाद में प्लस सी करो, या ए प्लस बी प्लस सी ये करो, मतलब उसको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करो, या तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो जो रिजल्ट होगा उसके बाद इसको ऐड करो, या पहले इन दोनों को ऐड करो और फिर उसके अंदर एक बार, बट रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इस मीन्स ये होगा कि फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज अप्लाइड ऑन रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन के अंदर तो ये अप्लाई हो जाएगा, एडिशन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड जो है वो है हमारा एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सेकंड ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही है, ए माइनस बी माइनस सी ये नॉट इक्वल ए माइनस बी माइनस सी, ओके, एंड नॉट इक्वल ए माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका रीज़न होता है, ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि हमें यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर एक लगाएंगे ना तो ये साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज ये सी जो है ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में लेने पर ये सी जो है यहाँ पर प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वल नहीं होता। फिर तीसरा आता है मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसे किसी भी ऑर्डर में करें, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद सी से, या पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करें फिर ए से, तो ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ वाला भी अप्लाई नहीं होगा, डिवीजन के अंदर भी अप्लाई नहीं होगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी इसके अंदर भी ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कमिट एसोसिएटिव के एडिशन फॉर एसोसिएटिव एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, ये हालांकि ज़्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा नॉलेज रखना है इसका। ओके बेटा, अब चलते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज पर, कुछ और नए टॉपिक लेते हैं। स्टूडेंट्स, द रॉल ऑफ जीरो, ओके, रॉल ऑफ जीरो, तो जीरो को जो है वो रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसका मीनिंग होता है कि किसी भी रैशनल नंबर से एडिटिव ओनली एडिशन में है, एडिटिव का मीन्स ऐड करो, तो किसी भी रैशनल नंबर के अंदर जीरो को ऐड करो या जीरो के अंदर किसी रैशनल नंबर को ऐड करो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल तो भाई अगर अपन 3/5 प्लस 0 करते हैं तो रिजल्ट वापस 3/5 ही आएगा, या 0 + 3/5 करते हैं तब भी वापस रिजल्ट क्या आएगा, 3/5। तो जो नंबर गिवन है वही उसका क्या है, आंसर है। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। किसी रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स वापस वही रैशनल नंबर उसका रिजल्ट होता है, ठीक है, मतलब उसमें क्या ऐड करें ताकि रिजल्ट वापस वही आए, जीरो ऐड करना पड़ेगा। ओके, या जीरो के अंदर क्या ऐड करें कि वापस ही आ जाए तो 3/5 को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये थी एडिटिव आइडेंटिटी, ये सिर्फ किसके लिए होती है, जीरो के लिए। ओके, तो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ वन। जैसे रोल ऑफ जीरो है वैसे ही द रोल ऑफ वन, तो वन का जो है वो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, और वन जो है वो होगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, ये किसके लिए होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी किसी नंबर को किसी नंबर और अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करना के वापस कोई नंबर आ जाए, इट मीन ये होता है ए मल्टीप्लाई वन करेंगे तो वापस ही आएगा, ए आएगा, बी मल्टीप्लाई वन करेंगे तो वापस क्या आएगा, बी आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अपॉन वन, जैसे अगर हमें 7/12 इवन है तो इसका जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा, 7/12, या 1 × 7/12 करेंगे तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, 7/12। ओके स्टूडेंट्स, तो वन जो होता है वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज कमिंग नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव एडिटिव इनवर्स मीन्स होगा कि ए प्लस माइनस ए का जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, यानी हमें जीरो लाना है, रिजल्ट क्या लाना है, जीरो। तो किसी नंबर में क्या ऐड करेंगे, जीरो आए तो उसका नेगेटिव, उसका इनवर्स ऐड करने पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से माइनस ए होगा तो इसके अंदर प्लस ए करेंगे तो आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 4/9, तो 4/9 प्लस करेंगे माइनस 4/9 तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसी टाइप से माइनस 12/25, तो इसके अंदर हम प्लस करेंगे 12/25 तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के अंदर किसी नंबर का हमें क्या करना है, उसका ऑपोजिट, यानी कि अगर पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव ऐड करो, नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव ऐड करो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि देखिए ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पुट करूं -12/-25 तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा 12/25। ये ध्यान रखें कि इफ वी आर गिवन ऑन बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर माइनस देन द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्या आता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि भाई
कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, वन होगा। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल के अंदर, किसके अंदर, रेसिप्रोकल के अंदर। ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी करें या फिर, और उसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे ये एडिटिव इनवर्स है तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो साइन गिवन है जिस नंबर का उसका ऑपोजिट उसमें ऐड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हमें जो नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, और जीरो और वन का रोल क्या है, तो जीरो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और जो वन होता है वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी वापस सेम टू सेम नंबर उसका क्या होगा, रिजल्ट। ठीक है, तो आज अपन ने ये कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की है। अब कल से हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।